Assalamu alaikum everyone, my name is Khibrat Fatima and I have joined CSE for the coaching of 10 plus 2. The teaching here offered is the best and the teachers are really supportive. This timely examinations are also taken here. I must say this is the finest coaching institute here. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm student of CLC NEET batch from last 4 months. Myself, Maurifunissa. Yeah. You want to say anything about the CLC? या देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, पढ़ाते हर जगह पे हैं, हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है. कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जहाँ पे सुबह क्लासेस नहीं दी जाएंगी. बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट डिफरेंशिएट वन इंस्टीट्यूट फ्रॉम द रेस्ट. एज आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट कश्मीर, तो आई कैन ईजिली डिफरेंशिएट CLC फ्रॉम रेस्ट. या फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स आई कैन डिफरेंशिएट इट. सबसे पहले मैं बात करूँगी टीचर्स की, यहाँ की फैकल्टी की. मैं नीट बैच की स्टूडेंट हूँ, तो बाकी इंस्टीट्यूट्स में जैसा होता है कि सोचते हैं कि ये नीट स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा. बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूरा हमें बेसिक से स्टार्ट किया गया, फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ हमें, मतलब टू द पॉइंट सब कुछ ईजिली हमें यहाँ पे ग्रेसअप कर हो जाता है. टीचर्स हमारे कंसेप्ट क्लियर करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं. और उसके बावजूद हमें यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड की गई है. पहले हमारी क्लासेस होती हैं, उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी के लिए स्पेस प्रोवाइड की गई है. उससे हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें जो भी डाउट होता है, जो भी हम लेक्चर लेते हैं फिर उसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं, वो हमें ऑन टाइम हमारा डाउट क्लियर किया जाता है. मतलब हमें यहाँ पे टीचर अवेलेबल होता है फुल टाइम, विदाउट एनी वेट वी कैन गो टू द टीचर और हमारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं. और मेन बात क्या है, टीचर्स हमारे पढ़ाने में टॉप नॉच, दे आर टॉप नॉच. और जो नीट की जर्नी होती है इसमें हमें एक पढ़ाने वाला तो चाहिए ही होता है. इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते, इट्स लाइक रोलर कॉस्टर राइड, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. तो हमें यहाँ पे कभी सेल्फ डाउट होता है, कभी पीयर प्रेशर, कुछ ना कुछ, तो हमारे टीचर्स समझ जाते हैं. लाइक समझाने में तो वो एक्सपर्ट है ही, बट वो हमें समझते हैं, हम स्टूडेंट्स को समझते हैं कि वो स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम से जा रहा है, मेंटल स्ट्रेस और समथिंग एल्स, तो वो हमें समझाते हैं एंड दे फाइंड अ वे आउट फॉर अस. वो दैट इज एक्सट्रीमली वंडरफुल. वो कैसे हमें समझते हैं, पढ़ाते तो हर जगह पे हैं बट टीचर कैसे समझता है वो बहुत ही डिफरेंट है. मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि शायद ही मुझे ऐसे टीचर्स लाइफ में आगे कभी मिलेंगे. एंड इंशाल्लाह CLC विल रॉक वन डे इन कश्मीर ऑल्सो. थैंक यू, दैट्स ऑल. بہ چھس روزان تھین کلاروس کپوارہ تحصیل ڈسٹرک کپوارہ چھس مے ناؤ عبدالرشید شیخ مے بچی پران یہ تس گئی پتم ترے وری پران یتی کوچنگ کران ڈاکٹری خاطر تو وہ اس مے گمت تسلی حس مگر وہ بچی اکی یہ یور یت CLC تمام انسٹیٹیوٹن حس مجھے بڑ مز دکان صرف پونس کھان بی گو تم وقت دکھ بچے کیا قصور چھو اس کا فیس بقایا ہے بچے کا کیا قصور ہے قصور ہے اس کے ماں باپ کا مگر پتہ اندر انٹرنس دیں کی نہیں دیتے ہیں CLC نا ووک نی کھین مگر بہ اوتر مے بچی کورنس بہت کمپریس کمپیل ول یور ٹھ یہ میون کیریئر مہ کر ضائع کہ اس لیے آس بہت پتمہ ہفتے یہ وچ مے فسٹ کلاس پہ صبح ست بجے CLC پہ آس بہ یور بہ گوس مطمئن ات تر مے بچی بی اخ سمجھاوان سمجھاوان تو پرناوان حوصلہ دیوان مائکہ پہ یوت چھ ونان کی نت ونکس واریا ذریعہ حس آن لائن چھ تت پہ تور واریہ واریہ مطمئن ولہ حس مے گئی زو دہ دود حس مے چھ نہ کہین کھیومت مگر یل مے بچی وون ات پہ اس بس شوق سیس فیس حس بالکل ٹھیک مے مونکھ نیو حس کی فیس دین فیس مز مگر مز چلی کی مگر اس فیس دین پرناوان پرنانس بہ مطمئن بچی وون مے دوپن بہ چھس مطمئن
जी सर, मेरा नाम अबरारुल हक है, मैं CLC की 11th क्लास नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मैंने CLC रिसेंटली ज्वाइन किया है। CLC में आने से पहले मैं एक अच्छे दूसरे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में था। वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के वक्त विदाउट एनी डेमो क्लासेस मुझसे एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट ली गई। तो फिर उसके बाद जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई तो मैं वहाँ पे अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि मेरी कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर नहीं हो रहे थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ की मैनेजमेंट से भी बात की, उनके साथ टच में भी रहा, बट दे डिड नॉट मतलब उन्होंने कोई लिसन टू माई लिसन मतलब ये नाइस एक्सक्यूज लिसन टू माय एक्सक्यूज मतलब उसके बाद जब फिर मैं उनके पास मतलब रेगुलरली जाता रहा, लेकिन उन्होंने दे डिड नॉट पेड एनी हीट टुवर्ड्स दिस एक्सक्यूज। उसके बाद फिर मैंने जब उसके बाद मैंने चेंज किया तो उन्होंने रिफंड भी नहीं किया उस प्रोसेस, उसको मैं रिफंड के लिए गया तो बोला रिफंड नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने CLC ज्वाइन किया, मतलब मैं यहाँ की मैनेजमेंट से बहुत मतलब इम्प्रेस हुआ, क्योंकि जब मैं यहाँ आया एडमिशन प्रोसेस के लिए, मतलब और किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओ तो आपको पहले आपको यही मांगेंगे कि एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको पहले पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने मतलब ये मतलब बहुत ही यूनिक मुझे दिखा, क्योंकि जब यहाँ मैं आया तो इन्होंने मुझे बोला कि पहले आप क्लासेस लो, आप अगर सेटिस्फाई हो तो उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट करो। और मुझे लगता है कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ यहाँ के टीचर्स से, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। टीचर्स ने मुझे बेसिक से स्टार्ट किया तो अब मेरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने लगे हैं, अच्छी तरह समझ भी आता है। यहाँ पे टीचर्स का एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरह से बिहेव करते हैं, तो बहुत अच्छा है। आई थिंक CLC इज़ द बेस्ट। First of all, I'm thankful to Almighty Allah. My name is Azhar Farooq from class 12th medical. तो सबसे पहले मैं यहाँ आया था श्रीनगर, मैं देखना चाहता था मतलब यहाँ पर, इससे पहले मैं पढ़ता था यहाँ पर होप में, तो मुझे वहाँ पर भी अच्छे से पढ़ाया जाता था। लेकिन वहाँ पर और यहाँ में क्या डिफरेंस मैंने देखा, जॉलजी तो हर कोई पढ़ा सकता है, हम खुद भी पढ़ सकते हैं जॉलजी। डिफरेंस है यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जो बेसिक मैंने देखे यहाँ पर, ये सबसे पहले हमारे जो बेसिक्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं, उसके बाद कंसेप्ट पे आते हैं और उसके बाद एग्जांपल कराते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। जब पहले बार मैं यहाँ पर आया तो इन्होंने मुझे बोला पहले आप डेमो लो, अगर आपको लगे तो आप बैठो वरना नहीं। उन्होंने ये भी बोला हम ये भी देखेंगे आप में कितनी कैपेबिलिटी है, उसके माध्यम में आपको रखा जाएगा क्लास में। सर ने ये भी बोला मुझसे मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, वो नहीं वो वाले बच्चे नहीं मुझे चाहिए जो ना पढ़ते हो। मैंने बोला ठीक है सर। फिर मैंने देखा यहाँ पर केमिस्ट्री मतलब फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायो भी है यहाँ पर बहुत अच्छा, लेकिन बायो में हम खुद भी पढ़ सकते हैं, मेन चीज़ है यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स की, बहुत अच्छे। और हर एक वीक के बाद वीकेंड के मतलब हम यहाँ पर टेस्ट भी होते हैं, मतलब हर हफ्ते के बाद यहाँ पर टेस्ट भी होते हैं, वो चीज़ भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। पर जो टीचर्स में ये भी होता है एटीट्यूड देखा जाता है, किस टीचर का वो मतलब टीचिंग एफर्ट क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है टीचर का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। एक तो होता है पढ़ाना यहाँ पर, और दूसरा होता है यहाँ पर मतलब जो टेक्निक्स होते हैं वो टेक्निक्स पे काम करते हैं, ये बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर लगा। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।